रेवाड़ी गैंग रेप मामले को आज पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मुख्य आरोपी मनीष और पंकज पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अभी तक पुलिस ने इस मामले में केवल एक मुख्य आरोपी निशु व पीड़िता का उपचार करने वाले झोला छाप डॉक्टर और कोठरी के मालिक दीन दयाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहाँ से तीनों आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। इस दरिंदगी में शामिल दो आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर आज कोसली की अनाज मंडी में 51 गांवों की एक महापंचायत हुई और पंचायत ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए एक सुर में कहा कि गैंगरेप के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। सरपंचपुर तहसील कोसली जिला रेवाड़ी, इस जन संघर्ष कमेटी का मैं अध्यक्ष होने के नाते आज हम 17 तारीख से इसको जो अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई उसके लिए बार बार हम बाजार बंद ज्ञापन दे रहे हैं। आज 21 सितंबर को 51 गांवों की पंचायत हुई और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आगामी 24 तारीख से हम दिन रात धरना के ऊपर बैठेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं होगी। संघर्ष कमेटी ने फैसला लिया है 24 तारीख से कोसली में लगातार धरना शुरू हो जाएगा और 1 तारीख को रेवाड़ी जनता 5000 की तादाद में समेत महिलाएं वहां जिला सचिवालय के ऊपर पहुंचकर अपने गिरफ्तारियां देंगी और न्याय की मांग करेंगी। और संघर्ष कमेटी ने फैसला लिया है जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उनको कड़ी सजा नहीं मिलेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। आज 51 गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। 24 तारीख को ज्यादा से ज्यादा एज ए रूप मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मुझे पता है इस लड़के के साथ जो हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उन लड़कों ने बहुत बुरा किया और उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि समाज के में एक उदाहरण तय हो जाए और उस लड़की की कोई गलती ना होते हुए वो बेचारी अभी इस नरक से जूझ रही है। आप सभी से अनुरोध है जो कोई भी उन लड़कों को कहीं भी देखे प्लीज जल्दी से जल्दी संपर्क, आप कमेटी में शामिल हो। हाँ जी, इस तरह जल्दी से जल्दी हो ताकि उनको सजा मिल जाए जल्दी से जल्दी। जन संघर्ष सेवा समिति सहित 51 गांवों की पंचायत ने ये फैसला भी लिया कि 24 सितंबर से कोसली में धरना शुरू किया जाएगा, जिसमें आरोपियों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह धरना लगातार जारी रहेगा और 1 अक्टूबर को जिला सचिवालय में 5000 से ज्यादा लोग पहुँच कर अपनी गिरफ्तारी देंगे, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी।